दोस्तों नमस्कार, मैं सोनू पुजारी सर्प मित्र। मैं काशी विश्वनाथ का मैं शिष्य हूँ। हमारा नाम है सोनू पुजारी सर्प मित्र। मैं जनपद जौनपुर रहने वाला हूँ। मैं समाज सेवक करता हूँ। उसके बाद मैंने एक गौशाला में गया, मैं बराबर वीडियो डालता हूँ गौशाला में। मैंने एक गौशाला में गया, मल्लोपुर गौशालक है, उसमें मैंने देखा कम से कम 8 गऊ को सर हमको दिखा। तो हमको 8 गऊ सर दिखा। उसके बाद 2 हमारी गऊ माता ताजा फेंकी थी, उसमें जोनों को 1 हफ्ता था, उसमें कीड़ा पड़ गया था, और 1 गऊ हमारी 2-3 दिन हो गया था उसमें फेंकी थी। उसमें कुल मिलाकर 9 गऊ माता के सिर थी। तो हमने देखा, जांचा पड़ताल, हमने जाग देखा, गऊ की इतनी बुरी दशा है, इतनी बुरी दशा है, क्या बताएं आपसे। मुख्यमंत्री साहब से मैंने निवेदन किया योगी महाराज से कि आप इस पे ध्यान दीजिए, इस पे आप एक्शन लीजिए। अधिकारी के ऊपर एक्शन लिया, लेकिन कोई मतलब नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई सुनवाई नहीं। आप सब ये खाली यही जाते हैं, हमारे चुनाव आया है, हमारे इसमें ये करना है, ए सीट निकालना, ओ सीट निकालना, बाकी और कुछ नहीं करना। अभी हमारा रेल हादसा हुआ, उसके बाद हमारा एक मित्र बिहार था, उसका परिवार तो साफ ही हो गया। इसलिए हमारे एक रेल मंत्री हैं, बताए रेल मंत्री को, उनको चाहिए कि जो मरे हुए हैं उनको कफन उड़ा के बकायदे उनको भेजा जाए। लेकिन हम दिखाएंगे ऐसे उनको फेंका जा रहा है जैसे कचड़ा को फेंका जा रहा है, जैसे हमारी गऊ माता को फेंका जा रहा है, एक एक गड्ढे में 10-10 गऊ माता को दफनाया जा रहा है। लेकिन हमको ऐसा, आप ये रेल मंत्री को ऐसे, इसको चाहिए इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन इस्तीफा नहीं दे रहा है। ये रेल मंत्री है, ये रेल मंत्री कुछ नहीं, ये दोगला रेल मंत्री है। मैं कह रहा हूं सोनू पुजारी, इसकी औकात नहीं है रेल मंत्री होने का। क्यों? जो समाज सेवक रक्षा नहीं कर पाता है तो क्या रेल मंत्री बनेगा? बताइए, रेल मंत्री है, हमारा घर घर साफ हो गया है, पूरा जिसके घर मरा है वही हाल जानेगा। इसको अगर किसी बच्चा मरा, इसका कोई बेटा मरा होता तब इसका दर्द समझता, लेकिन इसका दर्द इसकी औकात नहीं समझने का। एक हमारा देखिए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री है, वो क्या बोलते हैं, अर्जी लगाते हैं, अगर हमारे ट्रेन हादसा होने वाला था इनको पहले ही कहना चाहिए अधिकारी से, अधिकारी समझ जाइए क्योंकि रेल हादसा होने वाला है। लेकिन कुछ नहीं, कोई बात नहीं, उनको कुछ नहीं, उनको खाली अपनी कुर्सी। कहते हैं बिहार पागलों, पागलों पागलों कहते हैं, उसको बाद जही कोई भी जाते पागलों। आप बताइए ये पागल सब नजर आते हैं, इनको कुछ नहीं नजर आता, इनकी औकात नहीं है, क्योंकि इनका जो है वही, ये बोलते हैं हमारा बजरंग बली का आशीर्वाद है। अरे बजरंग बली के अंदर तो श्री राम दिखाए थे ना, जय श्री राम, फार के राम सीता माँ का तो दिखाए थे। अगर इनके ऊपर बजरंग बली है तो वे फार के अपना सीना दिखाए, जय बजरंग बली, अगर इनके सीने में दिखाए तो मैं मान लू ये भगवान है, इनके अंदर बजरंग बली है, लेकिन बजरंग बली नहीं है। मुस्कियाते कैसे आप जानते हैं? मुस्कियाते जैसे ब्रिटिनी मुस्कियाते। बाबा धीरेन्द्र साहब से मैं बात कर रहा हूँ, जो इनका नाम चल रहा है, आप बताइए इनका ढोकसला कै दिन चलेगा। बाबा रामदेव हमारे थे, इतना माने जाने, वो सूट सलवार पहन के रामलीला मैदान से भागे, बताइए आज वो कहीं नहीं बोलने जाते, कहीं नहीं, एकदम साइलेंट हो गए। हमारे राम रहीम थे, इतना नाम था, जेल में गए। आशा राम बाबू थे, वो जेल में गए। ये भी एक समय आएगा, बाबा रामदेव सूट सलवार पहन के गए थे अंदर, लेकिन ये लहंगा चुनरी पहन के जाएंगे। हमारा ये कहना, मैं सोनू पुजारी मैं कह रहा हूँ, डर नहीं रहा हूँ। अगर इनके पास बजरंग बली है तो हमारे पास काशी विश्वनाथ है, आ जाए हमारा इनका मुकाबला हो जाए। हम भी सांपों को, मैं रिस्की करता हूँ सांपों को, मैं सांपों को मैदान में, मैं हर बेजुबान को मैं बचाता हूँ। ये आ जाए एक मिनट खाली हमारे सामने टिक जाए, मैं इनका गोड़ धो के मैं पी लूंगा, मैं नहीं तो मैं दोगला बाप का लड़का हूं। ये बताते हैं कि हम गुरु हैं, कभी नहीं मानते ऐसे गुरु को। जो बिटिहनी जैसा हंसता है उसको गुरु नहीं मान जाता है। राम कृष्ण भगवान आप देखिए, वो एक गरीबों को लेके चलते थे। इनके पास अगर बजरंग बली है तो बजरंग बली है तो कैसे सिकोटी लिए है, कमांडो लिए है, क्यों लिए है भाई? हम अगर भगवान हैं तो हम कभी नहीं, हम जनता समाज सेवक में चलेंगे, गऊ को रक्षा करें। कृष्ण भगवान हमारे गऊओं की सेवा करते थे, लेकिन बाबा धीरेन्द्र कहीं बोले कि गऊ हत्या हो रहा है, आप बचाइए। हमारे जो बच्चे पैदा होते हैं दूध पीते हैं, बगैर दूध पीने से कोई बड़ा नहीं होता है, लेकिन ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री कहीं भी जाता है पागलों, ओ बिहार के पागलों, ये क्या है भाई? आप भगवान के रूप करते हो ना, मुझे बजरंग बली है, बजरंग बली किसी को बोले, ये बाबा धीरेन्द्र शास्त्री क्या है आप जानते हैं? एक काल नेमी है, जैसे काल नेमी राम राम जय श्री राम जय श्री राम करते थे, और उसे कहते हैं बजरंग बली, बजरंग बली। जैसे काल नेमी
कि अंत हुआ था, एक दिन इनका भी अंत होगा। मैं कह रहा हूं सोनू पुजारी, जैसे हमारी गांव में एकदम मर रही हैं, उनका दुर्दशा हो रहा है, एकदम बुरा हाल हो रहा है, जैसे मर चुकी हैं, जैसे फेंका रही हैं, एक दिन इनका भी ऐसा बुरा हाल होगा। और मैं चैलेंज कर रहा हूं बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, मैं तुमको चैलेंज कर रहा हूं कि आप अगर सच्चे भक्त हैं बजरंग बली, हमारी गौ माता जो मर रहे हैं उनको आप बताइए, समाज मार्ग मुख्यमंत्री का आदेश करिए, तब मैं मानू आप भगवान हैं। आप भगवान नहीं हैं, आप खाली ढोकलो कहते हैं। हे मोदी सुनो, कैसे हमारी गौ मर रहे हैं, आप बोले थे ना कि गौ बहन बेटियों को बचाना है, पढ़ाना है, क्या बचा रहे हो, बचा रहे हो आप? हमारी इतना गौ माता मर रही, इतना दुर्दशा हो रहा है, कहीं कुछ नहीं बोल रहे। हे मोदी सुन रहे हो ना, सुनो हमारी बात। मैं क्या कर रहा हूँ, मोदी सब कहते हैं मोदी मोदी, क्या मोदी मोदी कर रहे हो, हैं इतने हमारे बताइए, बताते हैं 228 मरे हुए हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ 228 नहीं मरे, कम से कम 2,500 मरे हैं। जो हमारे मित्र बिहार था और देखा है, उसका एक भाई बचा है, उसका पैर कट गया है, वो बताया था कि भाई एक एक बोगी में जिसका चालू टिकट था उसका कोई गिनती होता नहीं है, जिसका रिजर्वेशन रहता है उसी गिनती होता है ना, इसीलिए दिखा रहे हैं। अरे बोरा बोरा ऐसे फेंक रहे हैं भर के, जैसे कचरा फेंका जाता है, एक भगवान फूल आता है उसको नदी में फेंक दिया था, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हो, किसी कफन दिए हो, बोलते अरे ये रेल मंत्री सुन रहे हो, मैं कह रहा हूं अरे तुमको इस्तीफा दे चाहिए, चंडाल आदमी तुम रेल मंत्री हो, रेल मंत्री हो तुम, रेल मंत्री ऐसा करा जाता है, रेल मंत्री ऐसा नहीं किया जाता, रेल मंत्री सर्वे करते रहते हमेशा, अधिकारियों के हमेशा आर्डर करते रहते कहीं ऐसा दुर्घटना न हो। हे रेल मंत्री सुन रहे हो, मोदी सुन रहे हो ना, ऐसा होता है, आपको इस्तीफा देना चाहिए। दोगला इस्तीफा नहीं दे रहे हो, खाली बैठे हो देख रहे हो, आप एक अंगुली अपना काट के देखो कैसे दर्द होता है, जिसका घर साफ हो गया है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो ना। ए मोदी सुनो, योगी सुनो, उत्तर प्रदेश में योगी राज कहते हैं, योगी राज में जितना हत्या हो रहा है, हमारी गौ मर रही है ना, उतना कभी किसी सरकार में नहीं मरी थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, योगी मुख्यमंत्री है ना, जो अच्छा काम करता है, जो बढ़िया काम करता है, उसको क्या करते हैं मीडिया वाले, उसको ऐसा विरोध कर कैसे कर देते हैं, उसके ऊपर मुकदमे हो जाता है, जेल में चला जाता है। ए मीडिया वाले सुनो, इधर औरत सुनो, मैं क्या कह रहा हूं, मीडिया वाले पैसा यही रह जाएगा, एक दिन सारा सब मिट्टी हो जाएगा, जो सच दिखाया करो, मोदी मोदी योगी योगी करते हो ना, एक दिन सब समय आएगा, और एक दिन तुम देख लेना जो योगी योगी मोदी मोदी कर रहे हो ना, सब यही रह जाएगा, समय आएगा, सरकार आती रहती जाती रहती है। जैसे इसीलिए हमारा यही निवेदन है कि मोदी जी सुन लो हमारी बात, क्या कह रहे हैं कि गौ माता सबसे बड़ी होती है, जो बाबा धीरेन्द्र साहब का हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, क्या हमारी गौ माता हिंदू राष्ट्र नहीं है, वो हमारी माँ नहीं है, है ना हमारी माँ, तब बोलिए उनको वीडियो में बताइए, आप हम अर्जी लगा रहे हैं, भाई सुनो हमारे जितने शिष्य हैं हम गौ को ऐसा करते हैं, हमारी गौ को बचाइए, रक्षा करिए, सबको आदेश करिए, नहीं क्या आदेश करेंगे, क्यों नहीं आदेश करें, माल चाहिए माल, 15 लाख 20 लाख 25 लाख, गौ माता तो माल देंगे नहीं, वो तो मर रही है, इसीलिए उनका कुछ नाम ही नहीं ले हो। ए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री सुन रहे हो ना, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ सोनू पुजारी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आप अगर सच्चे भक्त हैं तो हमारा आप मुकाबला कर दिखाइए, नहीं आपको मैं दोगला मानूंगा, आपको सच्चे भक्त नहीं मानूंगा, क्योंकि जो बजरंग बली भक्त थे वो श्री राम सीता माँ को ऐसे फाड़ दिखाएंगे, जय श्री राम। आप अगर बजरंग बली हैं तो आप दिखाइए, मैं जय बजरंग बली फाड़ दिखाइए, तब मैं मानूंगा कि आप बजरंग बली हैं, नहीं तो आप दोगला बाप के लड़के हैं, आप दोगले हैं, और हंसते हो बिठीनी जैसे, क्या हंसते हो बिठीनी, हंसते हो बिठीनी जैसे, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए। मैं सोनू पुजारी मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूँ, इसीलिए भाई बंधु से मैं निवेदन वीडियो में कर रहा हूँ, अगर हमारे वीडियो कुछ भी गलत हो या कुछ भी हो, आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, मैं हम अपने गौ माता के लिए मैं बोला हूँ, जो हमारे रेल हादसे में मरा हुआ है, मैं उनके लिए बोला हूँ, क्योंकि जिसके घर मरते हैं उन्हीं पता चलता है, बाकी किसी को नहीं पता चलता है, बड़े लोग क्या जाने, बड़े लोग विधायक एमपी मिलने के साथ किसी कोई बच्चा मरा हुआ है, कोई नहीं मरा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मर्द रहेगा वही सामने आएगा, जो हिजड़ा रहेगा वो सामने कभी नहीं आएगा, इसीलिए मैं अपनी बाणी को समाप्त करता हूँ, भाई बंधु से निवेदन करता हूँ, सच्चा ही जो भक्त है, सच्चा जो हिंदू राष्ट्र है, वो अपने गौ माता को सब रक्षा करेगा, देखभाल करेगा। मैं अपने वीडियो में मैं गौ माता को दिखाऊंगा हमारी गौ माता कैसे मरती है, इसीलिए मैं सभी भाई बंधु को निवेदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद।